बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी मलाई कोफ्ता की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम इसे बनाएंगे, सुपर सॉफ्ट हमारे मलाई कोफ्ते। लेकिन आज हम बनाएंगे इसे लौकी से। जी हाँ, आपने कभी लौकी के मलाई कोफ्ते ट्राई किए हैं? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे लौकी से ही हम सुपर सॉफ्ट मलाई कोफ्ता बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। स्वागत है आपका मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी लौकी के मलाई कोफ्ता को बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है एक लौकी। अच्छा, लौकी लेते वक्त ना आपको ध्यान में रखना है कि हमें बहुत ही पतली और हरी हरी लौकी लेनी है। इसके अंदर ना बिल्कुल भी बीज नहीं होते हैं और ये बिल्कुल ही कच्ची होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे काट के छील लेते हैं और इसे हमें कद्दूकस करके तैयार करना है। और कद्दूकस करते वक्त ना हमें ध्यान रखना है, इसके मीडियम वाली साइड से हमें कद्दूकस करना है। बहुत ज़्यादा मोटी वाली साइड से हमें कद्दूकस नहीं करना है, अदरवाइज क्या है ना, हमारे कोफ्ते अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो मीडियम वाली साइज से बिल्कुल ही बढ़िया कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो सारी लौकी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, ये देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हाथों में लेंगे और अच्छे से इसे निचोड़ के इसके पानी को रिलीज कर लेंगे। जो भी लौकी में अपना एक पानी होता है उसे हमें निकाल देना है। तो बाउल में मैं इसे निचोड़ रही हूँ अच्छे से। और लौकी को अच्छे से निचोड़ने के बाद इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे आगे हम यूज करेंगे। तो देखिए, लौकी को मैंने अच्छे से पानी से निचोड़ लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप पनीर। पनीर को मैंने कद्दूकस करके लिया है, एक मीडियम साइज का कप मैंने लिया है। आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी मैं डालूंगी हल्दी कलर के लिए, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने सिनेमन पाउडर लिया है, इसे आप जरूर से डालिएगा, इसका टेस्ट कोफ्तों में बहुत ही बढ़िया आता है। ये मैंने डाला है गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी यहाँ पे नमक नहीं डाला है। नमक हम बिल्कुल ही लास्ट में डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से ना लौकी पानी छोड़ जाएगी और इसके साथ ही हमें इसमें फिर बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके साथ अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। नमक को हम बिल्कुल ही फ्राई करते वक्त डालेंगे। 2 चम्मच बेसन डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से हमें इसको मिक्स कर लेना और इसका एक स्मूथ डो बना लेना है। ये देखिए, कितने ही बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया। इसीलिए मैं नमक बाद में डाल रही हूँ, ताकि लौकी में ज्यादा पानी ना हो। नमक डालने से ना लौकी पानी छोड़ जाती है और बढ़िया से इसका स्मूथ डो बन के नहीं तैयार हो पाएगा। देखिए, अभी मैं इसे हाथों में ले रही हूँ तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, क्योंकि हमने लौकी को मीडियम वाली साइड से कद्दूकस किया था। बढ़िया से ये बाइंड हो रहा है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी नमक, और नमक डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मिश्रण को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथों में छोटी छोटी सी लोई लूंगी इस तरह से, और इसे हाथों से अच्छे से बाइंड करूंगी और इसे घुमाते हुए मैं इसका एक रोल बना लूंगी। ये देखिए, इस तरह के मलाई कोफ्ता आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं अभी इसे अंडा आकार में बना रही हूँ। तो बढ़िया से इसे हाथों में बाइंड करते हुए हमें इसको अंडा आकार में बना लेना है। बहुत ही बढ़िया से ये बनके तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है इसे बनाने में। ये देखिए, बेसन की मात्रा हमें बहुत ही कम रखनी है। इसमें ज़्यादा बेसन रखेंगे ना तो कोफ्ते हमारे बहुत ही हार्ड बनेंगे। तो इतने मिश्रण में मैंने सिर्फ 2 चम्मच बेसन का ही यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया और मीडियम टेम्परेचर पे मैंने ऑयल को गर्म करके बिल्कुल ही लो कर दिया टेम्परेचर, और बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पे हमने अपने कोफ्ते डालने हैं। अदरवाइज क्या होगा कि कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाएंगे डालते ही, और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें सारे कोफ्तों को डाल लेना है। तो कोफ्तों को ऑयल में डालने के बाद 30 से 40 सेकंड तक हमें इसे नहीं हिलाना है, और उसके बाद हम इसे चम्मच से हिलाएंगे। एक एक करके मैं इसे पलटूंगी। अभी हमें इसे चम्मच से ही पलटना है, क्योंकि कोफ्ते हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, हम इसमें अभी करछी का यूज़ नहीं करेंगे। तो चम्मच से मैंने सारे कोफ्तों को पलट लिया है, बढ़िया से इस पर कलर आने लग गया है, ये देखिए। तो चम्मच से ही अभी हम इसे हिलाएंगे। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमने कोफ्तों को तलना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। ये देखिए, कितने ही बढ़िया मेरे कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। बिल्कुल ही लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इन्हें पकाया है, ये देखिए। तो चलिए इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। कोफ्ते मेरे बनके तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया कोफ्ते बने हैं गाइज। ये अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल ही इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया। ये देखिए, कितना ही बढ़िया कलर आया इन पे। तो चलिए इनकी ग्रेवी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच देसी घी। इसमें मैं डालूंगी कुछ कड़े मसाले, 2 से 3 इलायची और 2 लौंग। एक टुकड़ा मैं डाल रही हूँ दालचीनी का, 2 मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता,
और इनको चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे मोटा मोटा कटा हुआ प्याज। यहाँ मैं 2 प्याज का यूज कर रही हूँ, इसे मैंने रफली काट के तैयार किया है और अच्छे से मैंने इसे भून लेना है और हल्का ट्रांसलूशन होने तक हमें इसे भूनना है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग जो बहुत ही बढ़िया रहेगी। 3 से 4 मैं हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ, इसे भी मैंने रफली काट के ही डाला है। बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है। ये मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं जिसे रफली काट के तैयार किया है, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। बढ़िया से इसे भूनना है ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा कलर आ जाए। ये देखिए कितने ही बढ़िया मेरा मसाला भून रहा है और ऑयल इसमें सेपरेट होने लग गया है। तो इसी तरह का मसाला जब आपका तैयार हो जाए, हमें इसमें डालने हैं कुछ मसाले। 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, 1/2 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइज मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है जिसकी वीडियो मेरी स्किप हो गई है, आप प्लीज इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर से डाल दीजिएगा। अभी मैं इसमें डालूंगी जो घी में से पानी हमारा निकला था वो, और 2 से 3 बड़े चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक हमें इसे पका लेना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर प्याज मेरे बढ़िया से पक चुके हैं और टमाटर मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए कितने ही बढ़िया से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और जो खड़े मसाले मैंने इसमें डाले थे उसे मैं निकाल रही हूँ। दालचीनी को भी निकाल देंगे। तो अभी हम इसे पीस के तैयार करेंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद ही हम पीसेंगे। तो इन द मीन वाइल मैंने एक कटोरी ली है, इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने लिया है गरम मसाला, 1/2 चम्मच से कम मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालिए, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी में ना ये मसाले अच्छे से फूल के तैयार हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे पानी में पहले से मिक्स करके रख रही हूँ। तो अभी मैं लूंगी 1 कटोरी में पानी, इसमें मैं डालूंगी 7 से 8 दाने काजू के और इसे मैं 10 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी और मिक्सर में ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ सेम कढ़ाई जिसमें मैंने मसाला भुना था, उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच बटर और जो हमने मसाला पानी में डाल के रखा था वो हमें इसमें डाल देना है और उसके बाद जो हमने अपना मसाला पीस के तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और बढ़िया से इसे हिला लेंगे। देखिए मैंने बिल्कुल ही स्मूथ अपने मसाले का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी जो काजू हमने पीस के रखे थे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। देखिए इसका कलर कितना ही बढ़िया आया है, काजू डालते ही हमारी ग्रेवी का कलर कितना ही बढ़िया हो गया है। तो इस स्टेज पे हमें इसमें डालने हैं 2 से 3 बड़े चम्मच दूध के। अच्छा दूध ना आप जरूर से डालिएगा 2 से 3 चम्मच, क्योंकि इससे जो है ना ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और बढ़िया बनती है। ये मैंने घर की मलाई ली है, 2 चम्मच मैं इसमें घर की मलाई डाल रही हूँ। दूध और मलाई डालने से हमारे मलाई कोफ्ते बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आप चाहें तो इसमें क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं अभी घर में पड़ी चीजों का ही यूज कर रही हूँ, उससे भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे। तो जिसमें हमने काजू पीस के तैयार किए थे उसी से मैंने थोड़ा पानी इसमें डाला है, लगभग 1/2 कप, और इसे मैं ढक के पकाऊंगी 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ग्रेवी मेरी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है, कितना ही स्मूथ टेक्सचर इसके अंदर आया है। तो अभी इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी जिसे मैंने तवे पे भून लिया था और इस तरह हाथों से क्रश करके मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कसूरी मेथी का। इसमें बारीक चॉप धनिया डाल देंगे। तो बढ़िया से इसे हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना ही बढ़िया टेक्सचर आया, मेरी ग्रेवी बढ़िया से बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ही झटपट से हमने इसे बना के तैयार किया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो रेस्टोरेंट में जिस तरह से मलाई कोफ्ते को सर्व किया जाता है उसी तरीके से आज हम इसे सर्व करेंगे। तो एक एक करके ग्रेवी के ऊपर मैं मलाई कोफ्ते को रखूंगी। ये देखिए इस तरह से हमने कोफ्ते रख देने हैं और उसके ऊपर से मैं इस तरह से ग्रेवी डाल रही हूँ। ये देखिए कितनी ही बढ़िया हमारी मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बनी है। थोड़ी थोड़ी सी मैं इसके ऊपर से मलाई डाल दूंगी, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं। बारीक चॉप धनिया हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा। देखिए कितना ही बढ़िया हमारा मलाई कोफ्ता बनके तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, झटपट से ये बनके तैयार हो गया है। और घीये की मलाई कोफ्ते बहुत ही बढ़िया लगते हैं गाइज, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपने नॉर्मल मलाई कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे, अब घीये और पनीर के मलाई कोफ्ते एक बार ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका।
ये देखिए कितने ही सुपर सॉफ्ट मेरे कोफ्ते बने हैं, चम्मच लगाते ही ये टूट रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे आने वाले रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।